class. We are not going to waste time. So हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने अपने previous video में आपको बताया था ascending and descending order के बारे में, right? और revision exercise भी करा रहे थे. One digit, two digit, three digit, smallest and greatest number कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया था. Okay. So इसमें हमने
वन को इन दो ब्लॉक छोटे ब्लॉक से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर थ्री ब्लॉक होंगे तो हम थ्री लिखेंगे, टू ब्लॉक होंगे टू लिखेंगे, और फोर ब्लॉक होंगे तो हम फोर लिखेंगे, ठीक। सेकेंड में ये छोटे छोटे ब्लॉक्स नहीं गिने हैं, ये आपके वैसे लाइन्स हैं, ये बस आप लाइन्स गिने हैं। यहाँ पे थ्री है, थ्री टू है तो टू, और यहाँ पे एक ये सिंगल जो पूरा बॉक्स है ना, ये हम पूरा वन काउंट करेंगे, इसमें इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स नहीं काउंट करेंगे, पूरा वन काउंट करेंगे यहाँ पे वन। और आपको फिल कैसे करना है, यहाँ ओ टी एच लिखा है, ओ टी एच, ओ स्टैंड फॉर वंस, टी स्टैंड फॉर टेंस एंड एच स्टैंड फॉर हंड्रेड। तो वंस में कितने ब्लॉक हैं, बुक में देखिए, वंस में कितने ब्लॉक हैं, टू, हमने ओ में लिख दिया। टेंस में कितने ब्लॉक हैं, टू, हमने टेंस में लिख दिया। थ्री में कितने ब्लॉक हैं, वन, हमने अरे हंड्रेड में लिख दिया, ओके। तो समझ आ गई, बस आपको काम करना है, वंस टेंस में फिल करना है। अच्छा, बी नंबर देखिए, वंस का जो फर्स्ट ब्लॉक है काम करिए कितने हैं, कितने ब्लॉक है, सेवन, गुड। तो हम ओ में क्या फिल करेंगे, सेवन, ठीक है। यहां नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां पर बता देती हूं, तो हम ओ में सेवन फिल करेंगे। देन हमारी कितनी रो दी हुई है, लाइन दी हुई है, वन टू थ्री फोर, फोर वन ब्लॉक। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, वन हंड्रेड के नीचे वन है ना, वन हंड्रेड, ये फोर वन स्टेंस को एक साथ काउंट करते हैं, फोर सेवन फोर्टी सेवन, वन हंड्रेड फोर्टी सेवन। टू थ्री फाइव लिखा है तो इसको कैसे हम रीड करेंगे, 235, यानी कि 235। इनको आप अलग अलग कभी लास्ट में वन स्टेंस को काउंट नहीं करते हैं, वन स्टेंस एक साथ ही काउंट हो, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिए हैं और इसमें से थ्री नेक्स्ट आपको करके लाना है। थर्ड में देखिए, पहले वंस के आप काउंट कर लेंगे, लेकिन टेंस में कोई भी ब्लॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम वहां पे क्या फिल कर देंगे, जीरो, वंस में एट। आप चाहें तो अभी फिल कर सकते हैं, जहां ओ लिखा है वहां एट फिल कर दीजिए, ठीक है। जहां टी लिखा है वहां जीरो, और जहां एच लिखा है मीन्स हंड्रेड एंड, वहां पे हम वन काउंट करेंगे, ठीक। ये ब्लॉक्स है, इनमें भी ऐसे ही फिल करना है, वन हंड्रेड एंड, जहां वंस में वंस के ब्लॉक, टेंस में टेंस के, और हंड्रेड में हंड्रेड के ब्लॉक्स। तो ये हमने एक्सरसाइज करा दी है, आपका पहला पार्ट एक्सरसाइज वन का, ठीक है। आपको जो वर्क क्या और करना है वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं बता देती हूँ, जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं कराए हैं वो आप करेंगे जाके अपनी कॉपी में, ठीक है।